हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? इट्स बिन वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव पोस्टेड अ वीडियो एंड मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है. सो आई हैव जॉइंड डिकैथलॉन एज आई हैव टाइम इन माय डे फ्लोइंग डूइंग नथिंग. तो मैंने सोचा कुछ जॉब कर लो पार्ट टाइम. तो मैंने जॉइन किया डिकैथलॉन एज अ साइकिलिंग स्पोर्ट लीडर. वहाँ पे सेल्समैन नहीं बुलाते हैं, सेल्समैन को स्पोर्ट लीडर बुलाते हैं. बिकॉज आई हैव हर्ड दैट डिकैथलॉन इज नॉट अ सेल्स कंपनी. तो ऐसा कुछ है इनके पास. तो आई एम लर्निंग सम स्टफ देयर. ऐसा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेर यू हैव टू गो डाउन योर लाइन एंड यू हैव टू स्पीक टू पीपल कन्विंस. मतलब यू डोंट हैव टू कन्विंस पीपल, बट वेन यू आर स्पीकिंग टू कस्टमर्स, यू नो, वेर यू हैव गॉट टू स्पीक इन अ वेरी अंडर नोट ऑफ योर लाइफ. मतलब आप जितने भी बड़े हो, जितने भी प्राइड हो आपके पास, यू हैव गॉट टू स्पीक वेरी लो फॉर देम, वेरी लाइक एज इफ यू आर वर्किंग अंडर देम और समथिंग लाइक दैट. लाइक यू जस्ट हैव टू रेस्पेक्ट देम टू मच एंड दैट्स हाउ सेल्स वर्क्स. मतलब डिकैथलॉन में भी द थिंग्स आई हैव लर्नड इज़ दैट कि ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं ना भाई साहब, मैं साइकिलिंग डिपार्टमेंट में हूँ, देर लाइक वी सजेस्ट देम सम पर्टिकुलर साइकिल इन देयर बजट अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड एवरी थिंग. लेकिन नहीं चाहिए उनको ऐसा. एंड ऑफ द डे देर बी लाइक वी वॉन्ट अ बिगर साइज साइकिल. मतलब ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे कस्टमरों से बात करोगे ना, यू विल फील कि यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद पीपल्स माइंड सेट. बहुत कुछ दिमाग ख़राब हो जाता है भाई. पहली बार मैंने काम पे लग गया, मतलब प्रॉपर सा पेड स्लिप सैलरी वो वाला काम. पहले मैंने जॉब कर चुका हूँ लेकिन नॉट ऑफिशियली, जैसे कि सैलरी स्लिप वगैरह आता है ना ये वाले. तो मेरा यूजी अभी कंप्लीट हो गया एंड आई एम about to plan something else for masters and also for my cycling career. As I've done psychology, I thought I could speak to many mindsets. If I'm a salesperson or something like that, I can speak to customers, I can speak to different types of mindsets, how they argue, how they want things to be, how they like treat other people, everything and all. Like I will be able to observe people. Bolke I thought this and then I've joined Decathlon. And also that ki mere paas time tha bahut, to ye bhi soch ke maine join kiya tha. But matlab my work life is good. Matlab mujhe timing set nahi ho raha. I want to do the job but also not because of the timings. I thought subah maine training complete karke I'll take some rest and then sham ko fir job pe chale jayenge. पार्ट टाइम काम हो जाएगा 5-6 घंटे. लेकिन इधर उल्टा हो रहा था. मतलब मेरा शिफ्ट शुरू होता है 5-6 बजे यूजुअली एंड देन इट एंड्स अराउंड 11-11:30. स्टोर हो, मतलब स्टोर 10 बजे बंद हो जाता है लेकिन 11-11:30 तक अंदर काम होता है. जैसे कि फेसिंग हो गया. फेसिंग इज़ वेयर यू कीप राइट प्रोडक्ट एट राइट प्लेस सो दैट कल सुबह जब कस्टमर्स आएंगे ना, दे विल बी एबल टू पिक the product from the shelf, from the TG. So raat mein pura ye matlab jaane ke pehle we have to do the facing stuff, right product at right place and all. You just have to keep the product. Agar kuch signages wagera missing ho ya price ke signages jo hote hain na, if they are missing and all, we usually have to fix those all those small things so that it will be easy for customers to come in the, like whenever they come in the morning, it will be easy for them to see the price and take the product which they want. लेकिन भाई साहब इसमें बहुत time लग जाता है. मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सारा काम होता है पीछे. And then the numbers they make, उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते because they make such huge amounts and you'll be like in a big shock that कि भाई इतना भी कोई करता है क्या. मतलब एक दुकान is making so much out of it that you can't even think that इतना money grow हो रहा है आपके पीछे. इतना money मतलब generate हो रहा है आपके सामने. And I'm like bro, I'm still doing nothing in life. Business समझ आ रहा है मुझे. मतलब
क्या करते हैं, कैसे करते हैं एंड ऑल, बट आई हैव नेवर थॉट दैट देर इज सच ह्यूज अमाउंट वेयर वन सिंगल स्टोर मेक्स. मतलब मेरा स्टोर एक, मतलब इट्स इन द मॉल, सो लोग भी आते रहते हैं एंड वीकेंड्स वी मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, इवन ऑन हॉलीडेज एंड ऑल. वी ऑल्सो हैव, मतलब सेल्स टारगेट्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन यू आर नॉट ऑन इन टू मच प्रेशर. दे ट्रीट एवरीबडी इक्वली एंड ऑल. And like most of my teammates are good. I like the store teammates and everybody, all the store leader, like I have a good connection with them. And like I don't think people will usually have issues. People leave stores, matlab they leave store and they transfer to other jobs and all because of matlab this thing ki ये होता है ना उनके साथ, टाइमिंग सेट नहीं हो रहा है. मतलब डिकैथलॉन में जो भी काम करते हैं ना, ऑल दोज आर एथलीट्स, ऑल दोज आर ऑलमोस्ट प्रोफेशनल एथलीट्स. देर आर इन माई स्टोर देर इज अ इंटरनेशनल फुटबॉलर एंड देर इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर इज वॉट आई हैव हर्ड, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली. बट आई हैव सीन नेशनल एथलीट्स, नेशनल मेडलिस्ट देर वर्किंग अलॉन्ग विथ मी. इफ यू डोंट नो, आई एम ऑल्सो अ नेशनल मेडलिस्ट, मतलब आई एम अ नेशनल एथलीट. एंड देन साइकिलिंग में, इन ट्रैक एंड रोड फील्ड, आई वॉन्ट टू डू गुड, बट आई एम नॉट डूइंग ग्रेट इन माई स्पोर्ट, बट आई वॉन्ट टू डू लॉट ऑफ स्टफ, सो आई एम जस्ट बैकिंग अप माई सेल्फ एंड ट्राइंग टू पुश एज मच एज आई कैन. तो अभी मेरा यू जी भी कम्प्लीट हुआ ना, सो आई थिंक आई गेट मोर टाइम, आई कैन गिव मोर टाइम. बट जॉब ज्वाइन करने के बाद में आई रियली लाइक डेंट थिंक दैट कि मेरा ट्रेनिंग का टाइम पूरा खराब हो जाएगा. रात के 11:30 आ रहा हूँ घर पे एंड देन what I've got to do is I'll sleep around 12-12:30 easy, and then subah I'm like pakka late uth raha hu, kyunki matlab I feel stressed and I'm used to sleep very early around 10 or like not 10 but yeah sometimes at 8-9 depending on sleep, but usually I'd sleep between 8-9:30. lekin job join karne ke baad mein 12:30 pe used to ho gaya and then I'm not able to sleep till morning. थोड़ा अभी समझ आ रहा है व्हेन पीपल से दैट कि दे से दिस थिंग नो कि मतलब वी आर नॉट एबल टू बैलेंस आवर वर्क लाइफ एंड आवर पैशन. या दैट्स रियली नॉट पॉसिबल भाई. आई एम 21 इयर्स ओल्ड नाउ. जब समझ आएगा ना तब पता लग जाएगा कि कितना थोड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना बिकॉज ऑफ द टाइमिंग्स. इट इज़ जस्ट द टाइमिंग्स दैट वी आर नॉट एबल टू स्टिक टू, कि स्केड्यूल कर नहीं पाता है डे को, बिकॉज वर्क का प्रायोरिटी जो होता है ना वो अलग देना पड़ता है और पर्सनल लाइफ को अलग टाइम देना पड़ता है, विच इज़ नॉट लाइक रियली पॉसिबल व्हेन यू आर वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट्स एंड ऑल. सी माय आईज ब्रो, फक मैन. एंड आई वांट टू स्पीक अ लॉट, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. आई होप आई विल मेक व्लॉग्स वेरी सून, मतलब जैसे कि हर दिन और एज मच एज ऑफन आई कैन. मैंने बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन आई हैव नेवर डन इट ऑफन. एंड मुझे मनाली का भी व्लॉग्स डालने हैं. इस वीडियो के बाद मैं डालूंगा टू और थ्री वीडियोज़, और आई मेक वन सिंगल वीडियो वेयर आई हैव डन ऑल द एक्टिविटीज़ एंड ऑल द गुड स्टफ आई हैव सीन एंड आई विल पोस्ट दैट थिंग, क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल था जिसमें क्लैरिटी था ही नहीं कुछ भी, तो आई कुडंट डू एनीथिंग आउट ऑफ इट. सो सी यू गाइज. Take care, bye-bye.